गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 11 सितंबर 2019 और 11 सितंबर से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक ज़रूर देखें। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल। तो प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो के लास्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 40वां सरला पुरस्कार दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है प्रदीप दास को। ऑप्शन ए करेक्ट है, प्रदीप दास, यही है प्रदीप दास और इन्हीं को ही 40वां सरला पुरस्कार दिया गया है। ये उड़िया भाषा के प्रसिद्ध लेखक है, उड़िया भाषा के। तो इनकी एक कविता थी, कविता का नाम ध्यान रखना है, कविता थी इनकी कृति चारु छिबार ओ चारज्या चारज्या। तो इनकी कविता थी कृति चारु छिबार ओ चारज्या। तो ये इनकी कविता थी और इसी की वजह से इनको ये सम्मान दिया गया है। अब इस सम्मान में मिलता क्या है? तो इस सम्मान में 5 लाख रुपए मिलते हैं और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है इसके अंतर्गत। तो 5 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है इसमें। तो ये दिए गए सरला पुरस्कार प्रदीप दास को। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, जो ऑप्शन सी में दे रखा है अमितव घोष। अभी इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये सम्मानित किया गया था इससे अमितव घोष को 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से। तो ये ध्यान रखना है 1965 में शुरुआत हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो अभी 40वां सरला पुरस्कार दिया गया है प्रदीप दास को। तो ये उड़िया भाषा के लेखक है, तो ये याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में राजीव कुमार को किसके नए प्रबंध निदेशक यानी MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, यही है राजीव कुमार और इन्हीं को माइक्रोसॉफ्ट इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड इसके नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड इसके नए प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। अब बात आई है माइक्रोसॉफ्ट की। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 1975 में और स्थापना की किसने थी? तो ये की थी बिल गेट्स ने। और माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है Washington DC में और माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में CEO है सत्या नडेला। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं 10 सितंबर को। तो 10 सितंबर को मनाए गए हैं विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस यानी वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। तो ये मनाया जाता है 10 सितंबर को। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो आत्महत्या के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, जिससे कि कम से कम लोग सुसाइड करें। तो इसी की रोकथाम के लिए ये मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हर साल 10 सितंबर को। अब इसे मनाता कौन है? तो इसे मनाता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन IAASP यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन इसे मनाता है हर साल 10 सितंबर को। ऑप्शन सी करेक्ट है और ऑप्शन में दिया हुआ है अभी 8 सितंबर। तो 8 सितंबर को अभी कल ही बताया है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाए गए हैं 8 सितंबर को। और 5 सितंबर को दो दिवस थे एक था अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और एक था नेशनल टीचर्स डे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को मनाया जाता है नेशनल टीचर्स डे और वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। तो कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची मैराथन कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है लेह में। ऑप्शन बी करेक्ट है, तो लद्दाख मैराथन इस नाम से ये मैराथन आयोजित की गई है लेह में। लद्दाख में आता है लेह, लद्दाख में दो डिस्ट्रिक्ट है लेह और कारगिल।
तो लेह में दुनिया की सबसे ऊंची मैराथन आयोजित की गई है। अब ये दुनिया की सबसे ऊंची मैराथन है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 11,000 फीट। तो 11,000 फीट ऊंचाई इसकी समुद्री तल से। तो इस मैराथन का भी 8वां संस्करण आयोजित किया गया है लेह में। तो ये ध्यान रखना है, तो ये दुनिया की सबसे ऊंची मैराथन है। इसमें टोटल 25 देशों के धावकों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो लेह में आयोजित की गई है दुनिया की सबसे ऊंची मैराथन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है देहरादून में, उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून में पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। और इसका आयोजन किया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है। तो वर्तमान में हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ये हरदीप सिंह पुरी। और इसके साथ ही हरदीप सिंह पुरी के पास एक और मंत्रालय है, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। ध्यान रखना है, तो नागरिक उड्डयन मंत्री भी है हरदीप सिंह पुरी। तो पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए हैं देहरादून में, इसका आयोजन किया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में रॉयल सोसाइटी सम्मान से किसे सम्मानित किए गए हैं? तो ये सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर यूसुफ हामिद को। ये सिप्ला कंपनी के चेयरमैन हैं डॉक्टर यूसुफ हामिद, और इन्हीं को दिया गया है रॉयल सोसाइटी सम्मान। अब ये सम्मान दिया किसे जाता है? तो विज्ञान में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने वाले को दिया जाता है ये अवार्ड हर साल। तो डॉक्टर यूसुफ अहमद को इस बार का रॉयल सोसाइटी सम्मान दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने विक्रम नाथ। तो जस्टिस विक्रम नाथ ये गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस बने गुजरात हाई कोर्ट के, यही है विक्रम नाथ। अब ये गुजरात हाई कोर्ट के बने, तो गुजरात को देखते हैं मैप में। ये रहा मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। और गुजरात के अभी नए राज्यपाल बने थे, गुजरात के नए राज्यपाल बने अभी आचार्य देवव्रत। अब गुजरात से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में, तो ये एशियाई शेरों के लिए फेमस है गिर राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा कांडला बंदरगाह भी है गुजरात में, और साबरमती परियोजना भी है, साबरमती नदी पर है ये परियोजना, तो ये गुजरात में। तो ये ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। तो अभी विक्रमनाथ बने गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और जो ऑप्शन बी दे रखा है रविंदर भट्ट, ये राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है रविंदर भट्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में सी एच सी फार्म मशीनरी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है पुरुषोत्तम रूपाला ने, ऑप्शन डी करेक्ट है पुरुषोत्तम रूपाला। ये वर्तमान में हमारे कृषि राज्य मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला, और केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। तो कन्फ्यूज नहीं होना, ये कृषि राज्य मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। तो इन्होंने सी एच सी फार्म मशीनरी ऐप लॉन्च किए हैं। अब इसमें होगा क्या इस ऐप में? तो किसान जितने भी महंगे उपकरण हैं उनको किराए पर ले सकते हैं इसमें। तो जितने भी जो महंगे उपकरण हैं कृषि से रिलेटेड उनको अब किसान किराए पर ले सकते हैं। तो ये सी एच सी मशीनरी ऐप लॉन्च किया है पुरुषोत्तम रूपाला, तो ये कृषि राज्य मंत्री हैं। और जो ऑप्शन सी दे रखा है नरेंद्र सिंह तोमर, ये केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। तो अभी फसल अपशिष्ट प्रबंधन पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, और ये इस सम्मेलन में ही ये सी एच सी पर मशीनरी ऐप लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है पुरुषोत्तम रूपाला ने, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति का 22वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ये विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति का 22वां सत्र आयोजित किया गया है, तो ये जिनेवा में आयोजित किया गया है। और इसका आयोजन किया किसने? तो इसका आयोजन किया है WHO ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका आयोजन किया है। तो WHO वेरी इंपॉर्टेंट है। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड
हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, और WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा में, और WHO के वर्तमान में महानिदेशक है टेड्रोस अदानो गेवेरियस। कौन है? टेड्रोस अदानो गेवेरियस वर्तमान में हेड है WHO के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में 25वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी करेक्ट है, तो अरुणाचल प्रदेश में हुई है 25वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप। तो ये अरुणाचल प्रदेश में जो पासी पासीघाट है अरुणाचल प्रदेश में, यहीं पे ये चैंपियनशिप शुरू हुई है। अब ये अरुणाचल प्रदेश में हुई है, तो मैप में देखते हैं अरुणाचल प्रदेश को। ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, मुख्यमंत्री है अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, और राज्यपाल है अरुणाचल प्रदेश के ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। अब अरुणाचल प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताते हैं जो कि जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अरुणाचल प्रदेश में एक इंपॉर्टेंट वन्य जीव अभ्यारण्य है नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य, इसके अलावा पक्वाई वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये दोनों वन्य जीव अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश में, नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य और पक्वी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये दोनों का ध्यान रखना है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में दोनों। अब देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था हाल ही में ग्लोरियस डाइस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये विमोचन किया था उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट है आज का क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिकन ओपन यानी US ओपन 2019 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर चार चार ग्रैंड स्लैम खिताब होते हैं प्रत्येक साल, तो ये लास्ट ग्रैंड स्लैम खिताब है इस साल का, तो चार हो चुके हैं। तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होगा। और लास्ट वीडियो में जो इस साल के जो चारों ग्रैंड स्लैम खिताब हुए हैं उनके महिला वर्ग और पुरुष वर्ग दोनों में विजेता बताया था लास्ट वीडियो में। तो लास्ट वीडियो नहीं देखा हो तो जरूर देख लें, उस वीडियो में इसका आंसर जरूर बताया गया है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुँच सके डेली करंट अफेयर के। और इन क्वेश्चंस की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इन क्वेश्चंस की PDF फाइल। बट एक बार वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि PDF में शॉर्ट में आंसर क्वेश्चन क्वेश्चन दिए गए हैं PDF में, और वीडियो में प्रत्येक आंसर प्रत्येक क्वेश्चन डिटेल में दिया गया है उसका आंसर, और साथ ही में स्टडी जीके के पैक्ट भी दिए गए हैं क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए एक बार वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद ही रिवाइज पर्पज के लिए PDF डाउनलोड कर सकते हो आप इन क्वेश्चन की। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।